बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, द गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब यह होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे, और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था, इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए।